हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ पर्पल के न्यूली लॉन्च्ड नियासिनामाइड ब्लेमिश इक्लिप्स फेस सीरम के बारे में। ये फेस सीरम ग्लास बॉटल में आती है, ड्रॉपर के साथ आती है। इसका प्राइस है 599 रुपीज़, जिसमें आपको 30 ml क्वान्टिटी मिलती है और 2 ईयर्स की सेल्फ लाइफ मिलती है। फ्रेंड्स, ये पैराबिन सिलिकन फ्री है, क्रुअल्टी फ्री है और सूटेबल है ऑयली स्किन के लिए। दोस्तों, मैंने इसे पर्पल से बाय वन गेट वन ऑफर में लिया था। इसके साथ मुझे फ्री मिली थी पर्पल की हाइलुरोनिक एसिड फेस सीरम, जिसका रिव्यू भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस फेस सीरम के बारे में। ये जो फेस सीरम है, ये ऑयली स्किन के लिए सूटेबल है। चलिए, अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये फेस सीरम आपको वोटरी कंसिस्टेंसी में मिलती है और कलरलेस है। फ्रेग्रेंस की बात करें तो इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही माइल्ड है। ये स्किन में बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। आपको इसे कैसे यूज़ करना है? सबसे पहले आपको फेस वॉश करना है, उसके बाद आपको टोनर यूज़ करना है और उसके बाद आपको ये फेस सीरम ड्रॉपर में लेना है और अपने फेस पर 4 to 5 ड्रॉप्स इसकी लेनी है और उसके बाद अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए आपको इसे अपने फेस पर अप्लाई करना है और उसके बाद आपको डैब डैब करके इसे अपनी स्किन में एब्जॉर्ब कर लेना है। ये बहुत ही जल्दी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है। इस फेस सीरम का मेन इंग्रेडिएंट है नियासिनामाइड, जो कि हमारी स्किन पर जो दाग धब्बे होते हैं उनको रिड्यूस करता है, फेस पर एक्ने पिंपल हो जाते हैं उनको प्रिवेंट करता है, हमारे स्किन टोन को इवन बनाता है, डैमेज स्किन को रिपेयर करता है और स्किन को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है और हमारी स्किन को क्लियर एंड हेल्दी बनाता है। ये स्किन में एब्जॉर्ब होने के बाद आप देख सकते हैं कि स्किन हाइड्रेट हो जाती है, मॉइस्चराइज लगती है, ड्राई फील नहीं करती है। दोस्तों, मैं इसे मोर देन 1 वीक से यूज़ कर रही हूँ और मैंने इसे डे एंड नाइट दोनों टाइम यूज़ किया है। और इसको यूज़ करने का मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया तो फ्रेग्रेंस तो इसकी बहुत ही माइल्ड है और जब हम इसको फेस पर अप्लाई करते हैं तो स्किन पर ग्लो आता है। बहुत ज़्यादा ग्लो नहीं आता, ऐसा नहीं कि स्किन ग्लोइंग लगती है, बट हाँ, हल्का फुल्का आपकी स्किन पर ग्लो आएगा और स्किन मॉइस्चराइज लगती है। और सॉफ्ट स्मूथ की बात करें तो स्किन, मुझे मेरी स्किन में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा टच करने में जब मैंने इसको अप्लाई किया। और दोस्तों, कुछ टाइम के बाद ही स्किन ड्राई फील होती है और हमारी स्किन बिल्कुल भी ग्लोइंग नहीं रहती, स्किन बहुत ही डल लगती है। मैं इसे मोर देन 1 वीक से यूज़ कर रही हूँ। बात करें एक्ने पिंपल की, तो एक्ने पिंपल पर ये बहुत ही कम काम करता है और जैसे कि दाग धब्बों की बात करें तो दाग धब्बों पर बिल्कुल भी काम नहीं करता है। इसने मेरी स्किन पर तो बिल्कुल भी काम नहीं किया है। और बात करें स्किन टोन इवन बनाने की, तो जब आप इसको कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो आपको स्किन में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है, बट ऐसा नहीं है कि आपकी स्किन में आपको अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिले। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं मिला है। ना तो इसने मेरे फेस पर एक्ने पिंपल पर कोई काम किया है, ना ही इसने दाग धब्बों पर कोई काम किया है। और हाँ, जब हम इसको यूज़ करते हैं तब स्किन मॉइस्चराइज लगती है, बट कुछ टाइम के बाद ही ड्राई फील होती है और स्किन पर बिल्कुल भी ग्लो नहीं होता, डल लगती है स्किन। पर्पल की ये फेस सीरम ने मेरी स्किन पर बिल्कुल भी काम नहीं किया है। इसके जो पैसे हैं टोटल वेस्ट गए हैं। मैं बहुत खुश थी, बाय वन गेट वन में मैंने इसको लिया है। एक साथ मैंने 2 फेस सीरम परचेज की थी। हालांकि हाइलुरोनिक एसिड जो फेस सीरम थी वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, उसके रिजल्ट भी मुझे पसंद आए थे। उससे स्किन पर ग्लो भी आता है, स्किन हाइड्रेट भी लगती है, लंबे टाइम तक स्किन को वो मॉइस्चराइज रखती है। वो फेस सीरम मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और ये फेस सीरम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। फर्स्ट डे से ही ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इसके जो रिजल्ट है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए हैं और मैं बहुत ही रिग्रेट कर रही हूँ इसको परचेज करने के बाद। फ्रेंड्स, इसने मेरी स्किन पर बिल्कुल भी काम नहीं किया। हो सकता है कि आपकी स्किन पर अच्छे से काम करे, मुझे जो रिजल्ट मिले हैं वो आपको नहीं मिले और आपको इससे अच्छे रिजल्ट मिले, बट फ्रेंड्स, इसने मेरी स्किन पर बिल्कुल भी काम नहीं किया। तो मैं इसको परचेज करने के बाद बहुत ही रिग्रेट कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है ये फेस सीरम। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।